इतना ख्याल रखते हो मेरा, मेरी दवाइयों का, मेरे खाने का, तब बेबी का नहीं पूछते? मैं शायद खुश होना भूल गया। डैन मूसा का जो मुस्तफा है वो हमारी इस नई कंपनी को दुनिया की बेताज बादशाह बनाने की सलाहियत रखता है। मारे सस, तुम्हारे शोर के कारनामे हमारी पीठ पे छुरा घोंपा है उसने। पापा, मैं इस घर की डील कर चुका हूँ। मेरा ये घर वाहिद पूंजी है और मैं इस घर को छोड़ नहीं सकता। इस कंडीशन में तुम्हें दुनिया की सारी सहूलतें मिलनी चाहिए। मिलनी तो मुझे प्यार, मोहब्बत और अटेंशन भी चाहिए। कभी मैं कभी तुम के आने वाले पोमे में आप देखेंगे कि शर्जीना के वालदैन बहुत परेशान हैं कि मुस्तफ़ा शर्जीना को किन हालात में लेके जा चुका है, लेकिन शर्जीना की माँ उसके बाप को समझाएगी कि शर्जीना मुस्तफ़ा के साथ हर हाल में खुश है। और अब इधर आप देखेंगे कि मुस्तफ़ा भी कामयाबियों की तरफ चला गया है क्योंकि उसकी गेम अप्रूवल हो गई है। मुस्तफ़ा का भाई उससे मिलने उसके घर आएगा, लेकिन मुस्तफ़ा उसकी बेतहाशा बेइज्जती करेगा और उससे कहेगा कि हम दोनों मियाँ बीवी मिलकर तरक्की करेंगे, तुम्हारी तरह बीवी के कंधों पर पाँव रख के मैं तरक्की नहीं कर रहा। यहाँ पर आप देखेंगे कि मुस्तफ़ा का बाप बहुत ही परेशान है क्योंकि इफ्तिखार साहब जानते हैं कि मुस्तफ़ा चोरी नहीं कर सकता और उसकी बहन भी उसके मिलने जाएगी, लेकिन वो अपनी बहन को कहेगा कि यहाँ पे मज़ीद आने की ज़रूरत नहीं है और बहन से बहुत ही नाराज़गी का इजहार करेगा। लेकिन शर्जीना सिद्रा को समझाएगी कि मुस्तफ़ा अभी गुस्से में है, आने वाले वक्त में वो मान जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।